हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियां देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी पहेली का जवाब आता है तो 10 सेकंड के अंदर हमें कमेंट कर दे, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहली पहेली से स्टार्ट करते हैं। आमिर को अपने टीचर की एक्टिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। जैसे ही उसकी टीचर क्लास से बाहर जाती है तो यहाँ सबके सामने आकर टीचर की एक्टिंग करना शुरू कर देता होता है। आज भी इसी तरह जब टीचर क्लास से बाहर गई तो उसकी एक्टिंग करना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसकी टीचर उसके पीछे चुपके से आकर खड़ी हो जाती है। कहती है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरी नकल करने का तो तुम एक काम करो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या तुम इसका आंसर दे सकते हो? और याद रखना, अगर तुम्हें इसका आंसर ना आया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। आमिर टीचर की बात मान लेता है तो उसकी टीचर उससे एक मैथमेटिक का सवाल पूछती है। इसमें उसे प्लस और माइनस का एक इक्वेशन बनाना है और ये इक्वेशन बहुत साइड से इक्वल होनी चाहिए। इक्वल यानी दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आमिर मैथ में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो दोस्तों, क्या आप आमिर की मदद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? ध्यान से सोचें और अगर आपको इसका आंसर आ गया है तो जल्दी से हमें नीचे कमेंट कर दें। चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देख लेते हैं। आमिर यहाँ 2 + 16 - 4 कर देता है जो कि बराबर होता है 6 + 8 के। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 16 हो जाएगा 18 और -4 पर 14। इसी तरह दूसरी तरफ 6 + 8 = 14। इस तरह ये इक्वेशन बोथ साइड से इक्वल हो जाएगी। वैसे दोस्तों, मुझे लगता है आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज मैथ को थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ा करें। दोस्तों बताएं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो वो उतनी ही छोटी होती जाएगी? और इसका आंसर है सिगरेट। जिसे जितना खींचो वो उतना ही छोटी होती जाती है। सवाल है, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? जवाब है जुबान, जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाती है। सवाल है, वो कौन सी जगह है जहां मौत जिंदगी से पहले आती है? जवाब है, इंग्लिश डिक्शनरी में डेथ का लफ्ज पहले और लाइफ का लफ्ज बाद में आता है। सवाल है, जमीन की वो कौन सी जगह है जहाँ सिर्फ एक बार सूरज की किरण पड़ी अब क्यामत तक नहीं पड़ेगी? जवाब है, दरियाए नील का वो हिस्सा जहाँ हजरत मूसा अलैहि सलाम के एहसास से अलग हुआ था। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो उल्टी हो तो हाथी और सीधी हो तो ऊंट? जवाब है लोटा। दोस्तों बताएं, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है? जवाब है टाइम क्या हुआ है। क्लिप पहली देखते हैं। एक चुड़ैल ने राजकुमारी को महल के अंदर कैद कर लिया होता है। राजकुमारी को बचाने के लिए एक राजकुमार आता है, लेकिन चुड़ैल को महल के अंदर घुसकर हराना बिल्कुल नामुमकिन होता है क्योंकि चुड़ैल को महल से ही ताकत मिलती है। बस एक तरीका है उस चुड़ैल को हराने का, जब वो महल से बाहर निकलती है। चुड़ैल हर रोज अलग अलग टाइम पर महल से बाहर निकलती है तो शहजादी शहजादे को किसी तरह एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेज देती है जिसमें लिखा होता है कि आज चुड़ैल किस वक्त महल से बाहर निकलेगी। तो दोस्तों, क्या आप इस इनक्रिप्टेड मैसेज को देखकर बता सकते हैं कि चुड़ैल आज किस वक्त महल से बाहर निकलेगी? ध्यान से देखें और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें।
अगर आप इनक्रिप्टेड मैसेज को ध्यान से देखो तो वर्ड्स के पहले लेटर को अगर आप जोड़ दें तो वो हो जाएगा टुडे टू। मतलब राजकुमारी राजकुमार को बता रही है कि चुड़ैल आज महल से 2 बजे बाहर निकलेगी, उस वक्त तुम उसे हरा दो। अगली पहेली देख लेते हैं। पहेली आज की सेगमेंट में, आज की पहेली हमें भेजी है मरियम नवाज ने, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों बताएं वो क्या है। जिंदा नहीं पर है जिंदों से तेज, परिंदा नहीं पर है परिंदों से तेज। ध्यान से सोचें और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है हवाई जहाज। दोस्तों क्या आप इसका आंसर दे पाए थे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सवाल है वो क्या है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है मगर हरकत नहीं करती। जवाब है सड़क। सवाल है वो क्या है जो मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। जवाब है वक्त। सवाल है वो कौन सा कागज है जिस पर आपके दस्तखत होते ही वो जाली हो जाता है। जवाब है आपका डेथ सर्टिफिकेट। सवाल है एक औरत 2012 में पैदा हुई और 2012 में ही मर गई मगर मरते वक्त उसकी उम्र 60 साल थी, बताएं कैसे। जवाब है क्योंकि पैदाइश के वक्त उसका रूम नंबर 212 था। चलें अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। अयान एक जंगल से जा रहा होता है। जंगल से जाते हुए वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वो जाके एक गार में गिरता है। गार से बाहर निकलने के लिए अयान को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे भूल भुलैया रास्ता है, अगर अयान इसके अंदर जाता है तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक गहरी खाई है, अगर अयान इसके अंदर जाता है तो वो नीचे एक खाई में गिर जाएगा और हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे एक ज़ॉम्बी है जिसे इंसानों को खाना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि अयान इन तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा, पहला दूसरा या फिर तीसरा। ध्यान से सोचें और अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें। अब इसका आंसर देख लेते हैं। अयान खाई वाला डोर ओपन करता है, उसके बाद ज़ॉम्बी वाला डोर ओपन करके जल्दी से पहले वाले डोर के पीछे छुप जाता है। ज़ॉम्बी जब बाहर आता है तो उसे लगता है अयान सेकंड वाले डोर के पीछे है क्योंकि वो डोर ओपन होता है, तो वो सेकंड वाले डोर के अंदर चला जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है। इसके बाद अयान पहले वाले दरवाजे से बाहर निकला और ज़ॉम्बी वाले डोर से बाहर निकल गया और आराम से ऊपर चला गया। दोस्तों आपने इसका आंसर क्या सोचा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलें अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से। बेड ए की पेशेंट 3 साल से हॉस्पिटल में एडमिट है और बेड बी की पेशेंट 5 साल से हॉस्पिटल में एडमिट है और बेड सी की पेशेंट अभी अभी एक खतरनाक वायरस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। दोस्तों क्या आप इन तीनों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि ये बच्चा आखिर किसका है। ध्यान से देखें और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दें। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चे को देखकर यही लगता है कि बच्चे की एज 6 से 1 साल के दरमियान है, लेकिन बेड ए और बी की पेशेंट 3 और 5 साल से हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी ये तो माँ हो नहीं सकते। मतलब इस बच्चे की माँ पेशेंट सी है। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
और इतनी जबरदस्त पहेली के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको इस तरह की पहेलियों का जवाब देना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपने कितने सवालात के दुरुस्त जवाब दिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।